नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि गांधीवादी विचार और आदर्श हमारे ग्रह को और ज्यादा सफल बनाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर ये बात कही है। बता दें आपको कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और महासभा के अध्यक्ष सिसाबा कोरोसी के साथ संयुक्त राष्ट्र के उत्तरी लोन में गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था और इस मौके पर ही एंटोनियो गुटेरेस ने गांधी को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और गैर भेदभाव और बहुलवाद के लिए एक समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ये प्रतिमा उन मूल्यों की याद दिलाती है जिनका पालन गांधी करते थे और जिनके प्रति हमारी प्रतिबद्ध रहना चाहिए। गाजीपुर जनपद में 1996 के चर्चित मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मामले में मुख्तार पर और इसके साथ ही भीम सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है और इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। MP MLA कोर्ट के जज दुर्गेश ने यह सजा सुनाई है। मुख्तार पर दर्ज गैंगस्टर मामले में 25 नवंबर को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन संबंधित कोर्ट के जज के तबादले के कारण ही फैसले के लिए 15 दिसंबर की तारीख नियत की गई और फैसले को लेकर ही कोर्ट के परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और गैंगस्टर एक्ट का यह मामला मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कोतवाली में 1996 में दर्ज हुआ था। अब 26 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है और मुख्तार के वकील लियाकत अली की ओर से इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करने की बात कही है। गाजीपुर का दूसरा मुकदमा तत्कालीन एडिशनल SP उदय शंकर जायसवाल पर हमला करने का मामला शामिल है और शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि न्यायाधीश के द्वारा सजा दिए जाने के समय मुख्तार अंसारी की फैमिली बैकग्राउंड की भी बात की गई और बताया गया कि जिस तरह से इनका फैमिली बैकग्राउंड है, कहीं से भी इस तरह का आपराधिक घटना करने का इजाजत नहीं देता। अंसारी और भीम सिंह के ऊपर गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी करार दे दिया, क्या फैसला आया? बस उठाई हुई दिखती है। फैसला उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार ब्रिगेडियर उस्मान नौसेरा के शेर के नाम से जाने जाते हैं, इनके पिता बाबा ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि सामान्यतः लोग अपराध की दुनिया में किसी आर्थिक मजबूरी या किसी इस तरह की मजबूरी के कारण प्रवेश करते हैं, लेकिन इतने अच्छे समृद्ध विरासत के बावजूद आप अपराध की दुनिया में प्रवेश किए, इसलिए निश्चित रूप से आपको इस पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा और 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5-5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। तो इसमें जो है ये दोनों लोगों को समान सजा दी? दोनों लोगों को समान सजा। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से हमारे सहयोगी मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताएं। जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है 1996 का है, जहां पर मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह के ऊपर जो है मुकदमा कायम हुआ और जिसको लेकर के कल कोर्ट ने गाजीपुर में फैसला दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी को जो है 10 साल की सजा हुई और वहां पर उन्हीं के साथ ही भीम सिंह को भी हुई और 5 लाख का रुपये जो माना भी लगा है। जहां तो आपको बता दें कि इसमें एक बात और भी है कि जहां मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद में ED ने बैठाया हुआ है 10 दिन का रिमांड लेकर के और उसके बाद इस तरह की सजा आना, तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के फैमिली में भी कहीं ना कहीं झटका माना जा सकता है। जी मेहताब, सुरक्षा के अगर इंतजाम की बात की जाए तो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे वहां पर। जी, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पेशी पे नहीं आए थे और उनके सहयोगी भीम सिंह आए थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी को 10 दिन के लिए प्रयागराज में रखा गया है जहां पे ED ने उनको रखा हुआ है, उनसे जो है पूछताछ कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग में।
तो इस तरह से जो है कल जो है वो उनको नहीं आया, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे उनके ऊपर बात किया कोर्ट ने और उनको कल सजा जो है सुनाया गया। जी मेहता, तो 5 लाख जुर्माने की भी बात सामने आ रही है। जी हाँ, 5 लाख जुर्माना इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 1996 का मुकदमा है, ये कभी पेशी पे नहीं आए ना, इकट्ठे मतलब केवल ट्रायल चल रहा था और कभी मतलब कोर्ट नहीं आए ना कभी इन्होंने अपनी हाजिरी वहां दर्ज की, चलते हुए कोर्ट ने जो है 5 लाख का जो है जुर्माना इनके ऊपर लगाया है। जी मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिरोजाबाद पुलिस 17 दिन पूर्व राजा का ताल में मौजूद एक सुनार की दुकान पर हुई लूट की घटना का आज खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने देर रात ही चेकिंग के दौरान एक लुटेरे को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से लूटी गई 5 सोने की अंगूठी के अलावा 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं एक लुटेरा अभी भी फरार बताया जा रहा है। फिरोजाबाद थाना टुंडला क्षेत्र के राजा का ताल में मौजूद राधे कृष्ण ज्वेलर्स के यहाँ पर 28 तारीख को 11वें महीने में ही लुटेरे दिन दहाड़े 17 सोने की अंगूठी लूटकर फरार हो गए थे। ज्वेलर्स की शिकायत पर ही थाना टुंडला में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और लुटेरों को पकड़ने के लिए 3 सदस्य टीम का गठन भी किया गया था और जिसमें पुलिस को देर रात सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने थाना टुंडला क्षेत्र के बनकट फाटक के पास से एक लुटेरे कमल किशोर पुत्र हाकिम सिंह थाना बसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरे के कब्जे से 8 सोने की अंगूठी 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। क्षेत्र अधिकारी टुंडला प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया है कि घटना का खुलासा करने के बाद पकड़े गए लुटेरे को जेल भेज दिया गया है। वहीं फरार लुटेरे बलवीर पुत्र पप्पू निवासी थाना बसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद की तलाश अभी भी जारी है। 12/2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद जी के निर्देशन में लूट करने वाले अपराधियों के विरुद्ध जो हम लोग संदिग्ध वाहन व्यक्ति चेकिंग कर रहे थे उसमें एक जो है पहले की घटना 28 नवंबर 2022 को राधे कृष्ण ज्वेलर्स के यहां से लूट हुई थी। 17 अंगूठी 2 अपराधी लेकर भाग गए थे, उसमें एक अपराधी हम लोगों ने कल गिरफ्तार कर लिया, एक मौके से फरार हो गया। तो उसमें जो है हमें अभी इस समय 8 उसके कस्टडी से 8 जो है अंगूठी बरामद हुई है और एक नाजायज 315 बोर पिस्टल। और इसी खबर पर हमारे साथ फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी किशन चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। ये बताना चाहूंगा कि ये 28/11 की घटना है जो कि थाना टुंडला के राजा का ताल स्थित राधे कृष्ण ज्वेलर्स हैं, जो यहाँ पर दिन दहाड़े जो कि ये 2 लोग पहुंचे थे जिसमें कि एक का नाम कमल किशोर दूसरा बलवीर, ये दोनों ही बसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद के ही रहने वाले हैं और ये ग्राहक बनकर पहुंचे थे और जो कि ये कह रहे थे कि इनका कहना था कि ये जो है हमें कई अंगूठियां चाहिए तो दिखाने के लिए जब अंगूठी मांगी तो इन्होंने कई उन्होंने सुनार ने जब अंगूठी दिखाई तो ये अचानक ही और को अंगूठी लेकर और जो है उसको धमकाते हुए वहां से अंगूठी लेकर चले गए। हालांकि इसकी सूचना ज्वेलर्स द्वारा तुरंत ही दी गई लेकिन पुलिस को दी गई लेकिन जो है तब तक ये फरार हो चुके थे। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया था और जो कि देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया इसमें कमल किशोर को और जबकि वो जो बलवीर था वो मौके से फरार हो गया और इसके कब्जे से जो कि सोने की 8 अंगूठी बरामद की है पुलिस ने और जो फरार मूल्य में उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। जी जी किशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो फिरोजाबाद से खबर है जहां पर लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने आरोपियों की अब जांच पड़ताल भी शुरू कर दी थी जिसके बाद अब आरोपी गिरफ्त में है।
जालौन के नदी गांव थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते कत्ल का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला के अपने ही देवर से अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों की जानकारी पति को होने पर हुए झगड़े में हत्यारन पति और पत्नी और उसके मृतक भाई ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बीती 11 दिसंबर को महिला और उसके प्रेमी ने रस्सी से गला घोट कर युवक की हत्या कर दी थी। क्या क्या पूरा मामला है? देखिए, ये थाना नदीगांव का प्रकरण है जिसमें राजेंद्र चैनू जो कि थाना नदीगांव क्षेत्र का रहने वाला था उसकी हत्या कर बॉडी को जो है घर के दरवाजे पे फेंका गया हुआ था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिली थी। बहुत ज्यादा जाहिरा कोई निशान नहीं थे, बस गले में हल्का सा निशान दिख रहा था। उसके बाद कब्जा पुलिस लेके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में भी जो रिपोर्ट आई उससे मर्डर की पुष्टि हो रही थी और उसी पर तहरीर लेकर थाना नरीगांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसी में जो पूछताछ की गई है, जो जानकारी इकट्ठा की गई है, जो नावरण किया गया है उसमें ये प्रकाश में आया है कि जो इस व्यक्ति मरा है उसकी महिला के देवर के साथ अवैध संबंध थे और जो है उसने स्वीकारा है, अपने कन्फेशन वाले बयान में बताया है और उसका ये कहना है कि पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी गई है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने आरोपी को जमकर पीटने लगे और हंगामे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों के चंगुल से बचाया और बच्चे के शव को ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें आपको कि मामला खानपुर थाना क्षेत्र के सोंझना गांव का है। दरअसल आरोपी किशनपाल बुधवार की सुबह 7 बजे घर से बाहर खेल रहे वैभव को उठाकर ले गया। परिजनों ने जब बच्चे को खेलते नहीं देखा तो उसे तलाशने के लिए खेती की तरफ गए और जहां पर पहुंचते ही परिजनों ने देखा कि किशनपाल खेत में से निकल रहा है और वहीं बच्चे का शव खेत में ही पड़ा है। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और किशनपाल को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी नशेबाज और मंदबुद्धि है। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ही आरोपी को फांसी की सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ, साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस को घायल आरोपी को अस्पताल ले जाने दिया। फिलहाल पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की पड़ताल की जा रही है। कल थाना खानपुर के अंतर्गत ग्राम सोहना झाया में एक 1.5 वर्षीय बच्चे की हत्या हो गई थी। मौके पर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जिस व्यक्ति द्वारा हत्या की गई थी आरोपी काजू, उसको जब ग्रामीणों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो जो उसके हाथ में चाकू था उसके माध्यम से उसने ग्रामीणों पर हमला किया। आपरक्षार्थ ग्रामीणों द्वारा उस पर भी प्रहार किया गया जिससे वह घायल हो गया। उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया था। कल रात में उसकी मृत्यु हो गई है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई थी पहले ही। उनके परिजन हमारा भतीजा उनका लड़का है। क्या हुआ है वो तो हमारा है। क्या हुआ, क्या वारदात हुई? वारदात ये इनके ये चौक में बाहर सुबह टाइम खेल रहा और अचानक एक अंगे से पहुँचा और उसे गोदी में लेकर भाग गया साथ एक साथी और पीछा पीली जैसे जांच पड़ी कि घर वाले इसके हम पीछे भागे उसके तो उसके घर गए तो वो बोले वो हमारे घर सो रहा। वहाँ से ये माता की तरफ गए, माता की तरफ से निकल कर रहे वो टावर पे हो गए और बस इसमें पड़ गया। कोई रंजिश है? ना रंजिश ना, वो तो पागल है जी, मेंटल वैसे तो दिमाग से भंका नशा ज़्यादा करे वैसे पागल भी ना। और इसी खबर पर हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे सहयोगी अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, नशेड़ी को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है, कहा जा रहा है कि उसने मासूम बच्चे की हत्या की है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी आपको बता दें ये खानपुर थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर एक स्थित गांव है सोजना नाम। यहाँ पर एक नशेड़ी, पहले उसको नशेड़ी बताया गाँव के ग्रामीणों ने, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि वो एक मंदबुद्धि है और उसने मासूम बच्चे की गला रेतकर हत्या कर डाली। जिसके बाद जब सूचना मिली तो ग्रामीण एक साथ इकट्ठा हुए और वहां पर घटना स्थल पर पहुंचे। पहुंचने के बाद नशेड़ी को जमकर पीटा गया और जैसा कि हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप पूरी अपनी बात रखें। जी जैसा कि बाबा ने बताया
उन्होंने बताया कि हमारा कोई गांव में किसी से रंजिश भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मैं अपने पोते को गोदी में लेकर के जा रहा था, अचानक से वो आया और उसने मेरी गोदी से बच्चे को लिया और अचानक एक एकांत स्थान पर जाकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जी जी अरुण, इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश तो सामने नहीं आई है? अभी तक तो कोई ऐसी रंजिश सामने नहीं आई है, जैसे कि बाबा ने बताया कि हमारी कोई पुरानी रंजिश गांव में किसी से भी नहीं है, साथ ही विवेचना का विषय, जांच का विषय, पुलिस इसमें भी जांच में जुटी हुई है। जी जी अरुण, जिस तरह से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ग्रामीण जो थे उन्होंने आरोपी को जमकर पीटा भी है और इसके साथ ही पुलिस ने मामला शांत करवाया है। ग्रामीणों ने उसको पीटा ही नहीं, बल्कि जब पुलिस मौके पर वहां पहुंची तो ग्रामीणों ने ये भी इनकार कर दिया उसके वहां से ले जाने के लिए कि इसको मर जाने ही दें, क्योंकि ये हमारे गांव के लिए नाजुक बन चुका है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना को अंजाम दे चुका है, कभी किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी कर देता है। लेकिन पुलिस ने मामले को समझाया और ग्रामीणों को पूरा समझाकर उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, जहां उसका अभी उपचार चल रहा है। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। बस्ती जिले में छुट्टा पशु किसानों के लिए मुसीबत बनने जा रहे हैं और किसानों की खड़ी फसलों को देखते ही देखते चट कर जाते हैं। आलम यह है कि रात भर किसानों को खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है और इस समय गेहूं की फसल किसानों ने खेतों में लगाई हुई है और गेहूं की फसल उगनी शुरू हो गई है, लेकिन छुट्टा पशु जो है बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सर्दी के मौसम में किसान अपने खेतों में अलाव जलाकर रात में फसलों की रखवाली करने के लिए मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि किसानों ने गेहूं की बुआई कर दी है, दर्जनों की संख्या में छुट्टा पशु जो है वो खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान कर रहे हैं। किसानों का दर्द है कि छुट्टा पशुओं की वजह से फसल बर्बाद हो रही है, जहां एक बीघा में 5 से 6 क्विंटल गेहूं था, अब उस खेत में 2 से 2.5 क्विंटल बीघा गेहूं की पैदावार होना मुश्किल है। किसानों की फसलों की लागत ही निकलना मुश्किल हो जाएगी और किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने छुट्टा पशुओं के लिए योजना बनाई है, जगह जगह गौशाला बनाया गया है, लेकिन छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात नहीं मिल रही है। सफाई कर्मी दिन में ही दिखावा कर छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला ले जाते हैं और रात में फिर उन्हें गौशाला से किसानों को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसानों का कहना है कि कई बार जिले से लेकर जिला मुख्यालय तक इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं मिली है और डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया है कि प्रत्येक ब्लॉक में 5 से 7 गौशाला सक्रिय कराई गई हैं, जहां पर गौ संरक्षक किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में एनिमल कैचअप की भी टीम को सक्रिय करने के लिए जो गाड़ी और सामान का प्रयोग होता है उसके लिए टेंडर कर दिया गया है। जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में कैचअप टीम सक्रिय हो जाएगी और छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला में संरक्षित किया जाएगा। सुबह सुबह आप ये जानवर हांकने आए हैं, क्या स्थिति है? स्थिति यह है, ये कैथुलिया और अटमा ये दो गांव का बीच का सीवान है, जो कि ये 20-25 के संख्या में तमाम जगह जगह ये किसानों का गेहूं फसल हमने आया खेत देखने के लिए, देखे पूरा 20 के संख्या में गेहूं चल रहे हैं और प्रदेश सरकार ये की योजना बना रखी है कि इसको सफाई कर्मी पकड़ेंगे, इसको जो है गौशाला में डालेंगे, दिन में दिखावा करके रात को गौशाला को जानवर से ये आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं, जिसमें आपको प्रमाण मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 20 की संख्या में है। ऐसे 3-3 4-4 टीम बना के लोग आज पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं, लेकिन ये सरकार इस मुद्दे को जानवरों से, सर ऐसा है जानवर से तो इतनी ज़्यादा समस्या है, अब आपको क्या बताएं, हम लोग रात को 11-12 बजे तक अलाव जला करके खेत की रखवाली कर रहे हैं, सरकार को इसी पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जिस खेत में पशु चले जा रहे हैं जिसमें सिंचाई हो गई है उस खेत को तो इतना बर्बाद कर दे रहे हैं, इतना ज़्यादा बर्बाद कर दे रहे हैं कि अब आपको क्या बताएं, इधर सामने देखिए एक पूरा छुट्टा पशु जो है वो एक समस्या बनती है, किसान जो है परेशान है, उनकी जो फसलें खा जा रहे हैं, तो क्या कुछ किया जा रहा है, क्या योजना बनाई गई कि राहत मिले किसानों को? प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 5 से 7 गौशालाएं हमने सक्रिय की हैं और उनमें पशु अन्ना गोवंश का संरक्षण भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थायी गौशालाएँ भी हमारी 2 नई बनकर क्रियाशील हो गई हैं और एनिमल कैचर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को पकड़ने के लिए वाहन की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र पंचायतों में एनिमल कैचर की खरीदी के लिए जो है नियमानुसार क्रय किया जा रहा है। और
और इसी खबर पर हमारे साथ बस्ती से हमारे संवाददाता पारस नाथ मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, किसान जो हैं वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, आवारा पशुओं का कहर देखने को मिल रहा है। जी, ये आवारा पशुओं का कहर सबसे ज्यादा किसानों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि गेहूं की बुआई हो चुकी है, गेहूं अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो जो जानवर है वो सीधे उसको खेत में घुस जा रहे हैं। 10, 20, 25, 50 की संख्या में कहीं कहीं क्षेत्र में ज्यादा है, किसी क्षेत्र में कम है, लेकिन हर जगह जो है वो आवारा पशु जो है किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं, खा लेते हैं तो खत्म हो जाता है जड़ से, क्योंकि अभी शुरू हुआ है तो शुरू होते ही जितने पौधे हैं वो सब उखड़ जा रहे हैं। ये किसान है कई कई जगह जो है रात में अलाव जला करके अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, और कहीं कहीं तो मतलब दिन में भी रखवाली करना पड़ता है, तो इससे जो किसान पूरी तरह से प्रभावित है। किसानों का ये कहना है कि इससे हमारी लागत भी बढ़ रही है और पैदावार भी कम रहा है, जहाँ 5-6 क्विंटल पैदा होता था 2-2.5 क्विंटल पैदा हो रहा है, इससे हमारी बहुत समस्या हो रही है। जी पारसनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा गोंडा उत्तर प्रदेश पहुंची और कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आपको बता दें कि नकुल दुबे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद चाइनीज सैनिक सीमा पर कर तमाशा कर रहे हैं और बीजेपी सरकार ने सैनिक का बजट कम करने किया है, और इसके साथ ही कहा है कि देश और प्रदेश से चीज़ों को सीमा के बाहर भेजना चाहिए। जो लोग खाने का प्रचार कर रहे हैं वो कभी देश के लिए हितकर नहीं हो सकते। देश को गुलामी और पूंजीपतियों की सरकार से बचाना है और इसलिए कांग्रेस देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। हरदोई के कोतवाली नौलार इलाके में बाइक में आग लग गई है और जिससे बाइक जलकर खाक हो गई है। बाइक में आग लगने की घटना को लेकर ही तमाम तरह की चर्चाएं हैं। बताया जा रहा है कि नौलार कोतवाली क्षेत्र के भेला मुंह निवासी दीपक सिंह चौहान की बाइक में लोनार इलाके के बाजपुर नकटोरा पुलिस के पास आग लग गई और जिसके कारण ही बाइक जो है वो धुंधु कर जलने लगी और जलकर खाक भी हो गई। और घटना को लेकर यहाँ भी चर्चाएं हैं कि उसमें फाइनेंसर से परेशान होकर बाइक में आग लगाई है। आग से जलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। क्या उसमें जानकारी? ये थाना लोनार क्षेत्र में नकटोरा एक जगह पड़ती है, वहाँ पे दीपक बैलामऊ के रहने वाले हैं। उनके बाइक में किसी अज्ञात कारण से अचानक चलते समय आग लग गई है और उन्होंने लिख के भी तहरीर दिया है कि दुर्घटनावश आग लग गई है। हरदोई की गोपामऊ सीट से बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश की एक फेसबुक पोस्ट फिर से चर्चा में है। उनकी पोस्ट पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। श्याम प्रकाश ने यह पोस्ट कानपुर में हुई घटना की अखबार कटिंग लगाकर की है और वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इस पोस्ट को लेकर विधायक को साधुवाद दिया है। दरअसल हरदोई के गोपामऊ सीट से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में ही बने रहते हैं। जनहित के मुद्दों को भी वो फेसबुक पर लिखते हैं और साथ ही सरकार के कई कामों को लेकर टिप्पणियां भी करते हैं, जिससे श्याम प्रकाश पूरे जिले में फेसबुक पोस्ट पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसी पोस्ट कर दी है जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि जनता पुलिस के उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से त्राही त्राही कर रही है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से इस पर ध्यान देने की मांग उन्होंने साफ तौर पर कर दी है। अब यह पोस्ट चर्चा में है और लोग इस पर अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। देखिए, मैं तो उन्हें साधुवाद देता हूँ कि कम से कम सत्ता पक्ष में आके विपक्ष के साथ खड़े तो हैं और सरकार को उनका संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस की कार्यशैली आप जान ही रहे हो कैसी है, खनन से लेकर और धनन तक हर तरफ पुलिस लगी हुई है, चालान में पुलिस दिलचस्पी ले रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आम आदमी को सुरक्षा नहीं हो रही, जान माल की उसकी कोई सुरक्षा नहीं हो रही, लेकिन चालान में व्यस्त है, खनन के मनन में व्यस्त है, धनन और धन धनाधन कहाँ से आए इसमें व्यस्त है। तो मैं समझता हूँ विधायक जी को बहुत साधुवाद, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे ये भी खेद है कि कल मैं उनके क्षेत्र में था
तो ये जो गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई उनके विधानसभा क्षेत्र में, क्या इसी तरीके से वो इस जो पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार है? जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा तहसील बलरामपुर सदर में मां अंबे राइस मिल और मानसरोवर राइस मिल का औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उन्होंने धान स्टॉक पंजिका देखा। उन्होंने धान क्रय केंद्र से धान उठान में तेजी लाए जाने और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रतिदिन धान कुटाई किए जाने का निर्देश दिया। कुटाई के दौरान राइस मिल द्वारा चावल में मिलाए जाने वाले FRK का भी निरीक्षण किया और धान उठान और कुटाई में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए राइस मिल संचालकों को नोटिस दिए जाने का निर्देश दिया। कहा कि सुधार न होने पर FIR कराई जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।